कोरोना देश में महाराष्ट्र में 15 दिन में दोगुनी हुई संक्रमण की रफ्तार। 24 घंटे में 13,659 केस आए, ये बीते 150 दिनों में सबसे ज्यादा। कुंभ नगरी में पहला शाही स्नान आज। कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लाने वाले को ही मिलेगी एंट्री। सबसे पहले जूना अखाड़ा करेगा स्नान, घाटों को खाली कराया जा रहा। बंगाल का सियासी घमासान। नंदीग्राम में ममता बनर्जी गायल, बोली ये मेरे खिलाफ साजिश। भाजपा ने कहा हमदर्दी पाने के लिए दीदी ने ड्रामा किया। महाशिवरात्रि विशेष, भारत पाक सरहद पर सौहार्द का पहला शिवालय हरपालेश्वर। हिंदू मुस्लिम मिलकर करेंगे पूजा, आएंगे 50,000 श्रद्धालु। हरियाणा में बनी रहेगी खट्टर सरकार, विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव गिरा। 55 विधायकों ने सरकार का समर्थन किया, सिर्फ 32 विरोध में रहे। उत्तराखंड में भाजपा ने मुख्यमंत्री बदला, आरएसएस के प्रांत प्रचारक रहे तीरथ सिंह रावत ने सीएम पद की शपथ ली। कहा मैंने इतनी बड़ी जिम्मेदारी की कभी कल्पना नहीं की थी। जीएसटी की कार्यवाही, भालोटिया बंधुओं के 16 अकाउंट फ्रीज, 50 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी का खुलासा। स्कॉर्पियो मालिक की मौत का मामला, मामले की जांच से जुड़े एपीआई सचिन वजे को क्राइम ब्रांच से हटाया गया। मनसुख की पत्नी ने पति की हत्या में शामिल होने का लगाया था आरोप। सैन्य शासन का बर्बर चेहरा उजागर, म्यांमार से भागकर भारत आए पुलिस अफसर, बोले जवान से कहा गया कि तब तक गोलियां दागो तब तक प्रदर्शनकारी की मौत न हो जाए। बंगाल में कोयला घोटाला, सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कोल ट्रांसपोर्टिंग का मामला रेलवे के अधीन, इसलिए बंगाल सरकार से नहीं ली गई अनुमति।